चार पैर है, दो कान है, गाय दूध देती है, दूध से दही, मतलब जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो घूम फिर के वहीं पे आएंगे, फिर भी कुछ लोग नहीं मानेंगे, वो घूम फिर के उसी जगह पे आएंगे, यार तुम्हारे बिजनेस में मानता हूं बहुत पावर है लेकिन प्रोडक्ट इज कॉस्टली। वो बोलेंगे मैं मानता हूं तुम्हारी कंपनी दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है लेकिन प्रोडक्ट महंगा है। उनका हाल ऐसा है जैसे एक क्लास में एक बच्चा था, जब मास्टर सभी को कहता था कि निबंध लिख के लाओ तो वो बच्चा हमेशा गाय के ऊपर निबंध लिख के लाता था कि गाय है, उसके चार पैर हैं, दो कान है, एक मुंह है, गाय दूध देती है, दूध से दही बनता है, दही से छाछ लस्सी। और वो मास्टर परेशान, उसने एक दिन डिसाइड किया कि मैं इसे अलग ऐसे दूंगा, अलग निबंध दूंगा, और उसे पहाड़ का निबंध लिखने के लिए दिया गया और उसने 6-7 पेज का निबंध लिख के लेके आया। मास्टर जी भी एक्साइटेड कि चलो आज तो कुछ इसने डिफरेंट किया, और मास्टर जी ने जैसे निबंध पढ़ना शुरू किया कि एक पहाड़ है, पहाड़ हरी भरी है, उस पहाड़ के ऊपर एक गाय है, गाय के चार पैर है, दो कान है, गाय दूध देती है, दूध से दही, मतलब जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो घूम फिर के वहीं पे आएंगे, और ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, ये फैक्ट है। एक बार वो बाजा बजने के ऊपर एक स्टोरी है कि एक बार एक किसान था, बहुत मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, और एक समय ऐसा आया कि वो खेती बाड़ी इतनी अच्छी नहीं हुई और परिवार का पेट पालना भारी पड़ गया। लेकिन वो देखता था कि खेत के पास से हर सुबह कुछ गाने बजाने वाले जाते थे और शाम के टाइम पे वो कपड़े, धन, अनाज, फल फ्रूट बहुत कुछ लेके आते थे। तो ये बोला मैं इतनी मेहनत के बाद भी इतना कुछ नहीं कर पाता हूं, और ये इन लोग, ये गाने बजाने वाले इतना सबको कहां से लेके आते हैं। और उसने डिसाइड किया कि मैं इनके पीछे पीछे जाऊंगा। और उसने डिसाइड करने के बाद जैसे वो सब जा रहे थे, उसने एक खेत का औजार उठा लिया और उनके पीछे पीछे चल दिया। वो सब राजमहल में गए और वहां राजा के सामने बैठ के सबने अपना अपना वायलिन बजाना चालू किया, अपने अपने जो भी उनके पास संगीत से रिलेटेड यंत्र थे बजाना शुरू किया, और राजा खुश होता था और उनको सब कुछ देता था, और धीरे धीरे इसको भी मिलने लगा। लेकिन एक दिन उनके मुखिया को ये पता चल गया कि हमारे बीच में एक आदमी ऐसा है जो बगैर कुछ बजाए पैसा बना रहा है, तो क्यों ना आज हम इसकी राजा के सामने पोल खोले। और उन्होंने डिसाइड कर लिया और राजा को बोला कि राजा जी आज तक आपने हम सबको एक साथ सुना है, तो क्यों ना आज आप एक एक करके सुने तो आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर खूबियां क्या है। राजा बोले ठीक है, और सबने अपना अपना बजाना शुरू किया। और जैसे उस किसान का नंबर आया तो राजा ने कहा हाँ भाई तुम भी बजाओ, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे उस जो तुम्हारे पास यंत्र है उसके अंदर क्या है ना। तो उसने बोला कि महाराज जो मेरे हाथ में बाजा है ये ऐसा वैसा बाजा नहीं है, इसका नाम है शामिल बाजा, जब ये सब बजाते हैं तो उसके साथ ये भी बजता है, ये अकेले नहीं बजता। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्त, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं कर सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस सिस्टम में, इस मीटिंग्स में शामिल होते रहिए, एक दिन आपका भी बाजा बजेगा और आप भी स्टेज पे आके अपनी स्टोरी सुनाएंगे लोगों को। लेकिन शामिल होते रहिए, गायब मत होइए।